प्रोडक्ट के बारे में बोलने के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हमारे बीच में जिनके जिनका शादी हो चुका है वो एक बार हाथ उठाए। अच्छा, मुझे दिख रहा है, ओके। जिनके जिनके पास बच्चे हैं वो एक बार हाथ उठाए। मैं हाथ उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा शादी भी हो गया, बच्चे भी है। आप एक बार सोचिए, आप इतने पैसे बना रहे हैं या फिर इतने तकलीफ कर रहे हैं या फिर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए? नहीं ना, बच्चे के लिए कर रहे हैं। ओके। और जब ये जन्म लेता है हमारे बेबी और पहली रोने का आवाज़ हम लोग सुनते हैं, वो दिल को कैसे छूता है अच्छी तरीके से, राइट? आपको याद है पहला रोना, पहला गिरना। तो बच्चे हमारे लिए बहुत प्रीसियस होते हैं और उनके अच्छे के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जन्म के बाद से ही उनका टेक केयर करते हैं, राइट? हमारे लिए बच्चे जो हैं, हमारे नवजातक जो हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आजकल पहले के तरह 10-10 बच्चे भी नहीं होते हैं, आजकल तो हम दो हमारे दो भी नहीं हैं, हम दो हमारे एक हो रहे हैं। सो हम लोग उनके ऊपर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? उनके पढ़ाई में, उनके हर चीज़ का ख्वाहिश हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उनका जिम्मेदारी एज ए पेरेंट्स हमारे ऊपर आता है। और बच्चे का स्किन जन्म लेने के बाद से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम अगर किसी का प्रॉब्लम आता है तो वो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहता है। और हमारे स्किन में आपको पता है अंदर वाले हिस्सा जो है डार्मिस है और ऊपर वाले हिस्सा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो होता है ऊपर वाले हिस्सा, वो हम जैसे जवान में बहुत स्ट्रांग होते हैं और थिक होता है, मगर बच्चे का थोड़ा नरम होता है और थिन होता है। तो उसमें से जो स्किन हमारा बच्चे का है वो ज़्यादातर सेरामाइड्स, दोज आर कॉल्ड सेरामाइड्स से बनते हैं। ये स्किन इतना सॉफ्ट होता है, आपको बच्चे का इसीलिए गाल भी ऐसे ऐसे करते हो, राइट? बच्चे का स्किन सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसका ये बहुत वल्नरेबल होता है और इनका एपिडर्मिस लेयर जो है वो थिक नहीं होता है। उनका इलास्टिसिटी भी हमसे बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप ऐसे ऐसे भी करते हो ना। और आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ज़्यादातर डॉक्टर को पूछोगे तो उनका घर का टेम्परेचर, मतलब बच्चे जब बॉर्न हुए हैं एक साल तक 16 घंटे तक जब सोते हैं, 16 घंटे से भी ज़्यादा एक्चुअली, कभी बच्चे तो जन्म के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स जो है 20 आवर्स सोते हैं, तो वो सोने के वक्त घर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 22 डिग्री रखना है, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर आइडियल होता है बच्चे का कम्फर्ट के लिए, उनके नींद के लिए। इस टेम्परेचर में ग्रो करना बच्चे का आइडियल होता है। अब मैं जाऊंगा इस आइडियल टेम्परेचर अगर आपको रखना है, देखिए हर कोई 22 डिग्री में रख पाएगा ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मगर उनको सेफ्टी सेफ हिसाब से टेम्परेचर कम जहाँ पे रहता है, 35 डिग्री में नहीं, 35 डिग्री में नहीं, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता है उस जगह पे रखते हैं। और उस टेम्परेचर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑयल देते हैं बच्चे को, या फिर बहुत सारे बाजार में मिलता हुआ क्रीम देते हैं, उनका शैम्पू भी खरीदते हैं या बॉडी वॉश भी खरीदते हैं। आप अगर मार्केट में जाओगे, किसी भी दवाई दुकान में, किसी भी जगह पे आपको बेबी का प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, मगर उस प्रोडक्ट में उसका शैम्पू बोलिए या फिर बॉडी वॉश बोलिए या फिर बॉडी के लिए लोशन बोलिए या क्रीम, इसमें सेरामाइड वाला क्रीम आपको नहीं मिलेगा। सेरामाइड्स जो होता है वो हमारे स्किन उससे बनता है, सेरामाइड्स से स्किन बनता है, और वो सेरामाइड को हम लोगों ने इस शैम्पू एंड बॉडी वॉश, क्रीम जो कि फेस के लिए है एंड लोशन जो कि बॉडी के लिए है, इसके अंदर डाला हुआ है। और ये यूज़ करने से
एलर्जिक होते हैं बच्चे का स्किन, ये यूज करने से एलर्जिक एलिमेंट्स जो होता है वो स्किन के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो इसका मतलब है बच्चे का देखिएगा बहुत सारा रैश निकलता है, पिंपल भी आते हैं बच्चे का गालों में, स्किन में, वो एक तरीका से ऑलमोस्ट कम जाएगा, वो होने ही नहीं देगा। देखिए हमारा प्रोडक्ट तो क्योर तो नहीं करेगा मगर ये होने ही नहीं देगा। सो उस सेरामाइड से हमारा प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसको हम लोग सेरा बेबी प्रोडक्ट्स के नाम पे जाना जाता है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं। ये है सेरा बेबी का सेट जिसमें से आप देख सकते हैं ये हो गया शैम्पू एंड वॉश जो कि 350 ml का है, ये रहा लोशन, लोशन बॉडी के लिए होता है विच इज 200 ml, और ये रहा क्रीम, क्रीम जो है 100 ml का है, फेस के लिए होता है। आप सेरा बेबी के जो सेट है वो यूज करें और आपको पता है कि ये हमारे एटोमी में एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया सेरामाइड एग्जिस्टिंग वाला प्रोडक्ट्स बाजार में है ही नहीं, रहने से भी वो हमसे एक्सपेंसिव है। हमारा शैम्पू एंड वॉश जिनका एमआरपी है 1300 रुपीस एंड पीवी है 5900, और क्रीम जो फेस में लगाते हैं उनका कीमत है 1300 एंड उसका पीवी 5800 है, और हमारा जो लोशन देखें उसका कीमत है 1600 एमआरपी एंड पीवी है 6900। अगर आप सेट खरीदते हो इन तीनों का, अलग अलग प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, और सेट अगर आप खरीदते हो ये है कितने हैं 4000 रुपीज एमआरपी एंड 18200 18200 पीवी आपको मिलेगा। मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, बच्चे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको बेस्ट देने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर होता है। सेरामाइड ऐसे एक नेचुरल चीज़ है जो हमारे प्रोडक्ट में है और वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है और एलर्जन से बचाता है, और इसका स्मेल तो आपको यूज़ करें तो जाने। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो हैं स्कूल टाइम से मैं देख के आया हूँ, स्कूल तो नहीं कॉलेज टाइम से मैं बताऊँगा, उस टाइम पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं अभी भी हमारे ऑफिस में, आज ही पूछ रहा था, तो वो लोग बेबी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्पेशली वेमेन। क्यों? क्योंकि उनको बेबी का स्किन पाना है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपका और भी ज़्यादा है इसके रिलेटेड, आप हमारा प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग होता है एवरीडे हर दिन 4 बजे 4 PM पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे आपको वहाँ पे क्लियर करेंगे। सो बच्चे का सोचकर, बच्चे का बेहतर सोचकर आप लॉगिन कीजिए और सेरा बेबी का सेट का इस्तेमाल करके उनको प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत